नेक्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स मतलब स्पीड, यहां पे हम स्पीड ऑफ रिएक्शन वगैरह स्टडी करेंगे कि स्पीड किस किस चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है, किन फैक्टर्स पे स्पीड डिपेंड करती है, कैसे स्पीड चेंज होती है, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ेंगे हम। स्पीड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बच्चों सबको ठीक, तो बहुत ये थोड़ा इजी चैप्टर है, इजी है लेकिन कैलकुलेटर है, पूरा मैथ्स चलेगा यहाँ पे, ठीक है, मैथ्स चलेगी पूरी यहाँ पे। तो स्पीड का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। तो इनिशियली बच्चों मान लिया कंसंट्रेशन है कुछ नाइट्रोजन की 1 मोलर और हाइड्रोजन की 3 मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक, हमने रिएक्शन स्टार्ट कराई, फिर घूम फिर के आए हम 10 मिनट के बाद घूम फिर के आए, कंसंट्रेशन चेंज हो गई नाइट्रोजन की, लेट से 0.8 मोलर हो गई, कितनी हो गई 0.8 मोलर, ठीक है, कितने का चेंज आया 0.2 का, है ना, कितने का चेंज आया बच्चों 0.2 का चेंज आया, 1 से 0.8 हो गया, ऑलराइट। तो जब एक के साथ 3 मोल्स लग रहे हैं ना, रिएक्शन क्या बोल रही है, एक के साथ कितने मोल्स लगेंगे, 3, एक के साथ 3, तो अगर नाइट्रोजन में 0.2 का चेंज आया तो हाइड्रोजन में कितने का चेंज आएगा बच्चों, 0.6 का चेंज आएगा, है ना, क्योंकि एक के साथ 3 मोल्स लग रहे हैं तो 0.2 के साथ 0.6 मोल्स लगेंगे, या 0.6 मोलारिटी में चेंज आएगा, समझ में आ रही बात। तो जितनी देर में नाइट्रोजन 1 से 0.8 होगा उतनी देर में हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बच्चों, 3 से 2.4, क्लियर है भरत, एनी डाउट, ईशा, डाउट, नो डाउट सर, ओके। तो जितनी देर में बच्चे 0.2 का चेंज आया उतनी देर में हाइड्रोजन में 0.6 का चेंज आ गया, एक के साथ 3, और एक से बनता कितना है अमोनिया, 2 बनता है डबल, 0.2 का चेंज आया उतनी देर में ये 0.4 मोलर का चेंज आएगा, कितने का चेंज आएगा उतनी देर में 0.4 मोलर का, समझ आ रही बात। तो सब में अलग अलग कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है क्योंकि इनके कोफिशियंट सबके अलग अलग, ओके। तो स्पीड का मतलब होता है बच्चों चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, है ना, स्पीड जैसे फिजिक्स में स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां पे होती है चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, जो समझ आ गई बात, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है स्पीड, और स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, मोलारिटी अपॉन टाइम, या मोलारिटी टाइम इनवर्स। टाइम किसी में भी हो सकता है, यहाँ पे सेकंड में हो सकता है ऐसा यूनिट, मोलारिटी पर सेकंड मिनट में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, दिनों में हो सकता है, मोलारिटी पर मिनट, मोलारिटी पर आवर, ये सब कुछ यूनिट्स हो गई स्पीड की। सर ये इक्विलिब्रियम जैसा लग रहा है। हाँ मतलब वो है ना, क्या बोलते हैं भारत, बिल्कुल वैसे जैसे आपने इक्विलिब्रियम में जो चेंजेस है ना, वो स्टोइकोमेट्री यहाँ पर भी यूज होगा, ठीक है, लेकिन बहुत कम यूज होगा भारत, बहुत कम यूज होगा, इतना ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, उतना ज्यादा यूज नहीं होगा, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये, बहुत ही इसमें कैलकुलेशन रहेगी चैप्टर में, मजा आएगा अभी जब हम स्टार्ट करेंगे, अभी बेसिक पढ़ रहे हैं हम। तो स्पीड का मतलब समझ आ गया बच्चों, स्पीड ऑफ रिएक्शन ये होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ओके। तो आपको पता है कि कंसंट्रेशन हमेशा रिएक्टेंट्स की डिक्रीज करेगी, क्योंकि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो जो चेंज आएगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में चेंज आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आप कैसा चेंज आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा, ऑलराइट। तो
रिएक्टेंट्स में चेंज नेगेटिव आएगा, प्रोडक्ट में चेंज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स के लिए रेट ऑफ कंजम्पशन, किस स्पीड से कंज्यूम हो रहे हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन बोलते हैं, और अपने आप एक माइनस साइन लगा देते हैं, एक माइनस साइन अपने आप लगा देते हैं उसमें, ठीक है। माइनस साइन अंडरस्टूड होता है, मतलब मेरे को जो चेंज देखना है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, क्या देखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। तो चेंज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन अगर मुझे लिखना है तो मैं चेंज लिखूंगा 0.2, सिर्फ चेंज लिखूंगा। अपने आप कंजम्पशन का मतलब नेगेटिव हो गया, ठीक है प्रणय, एनी डाउट? कंजम्पशन का मतलब अपने आप चेंज इज नेगेटिव, ओके बच्चों? नो डाउट। तो हमने बोला रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन हो गया बच्चों 0.2 मोलर का चेंज आया 10 मिनट में, ठीक है, कितनी देर में, 10 मिनट में, क्लियर? तो आ गया 2 × 10⁻², मोलारिटी पर मिनट, अंडरस्टूड एवरीवन? सेकंड में लिखना होता तो नीचे हम सेकंड्स में रख देते, 10 मिनट की जगह हम, है ना, 600 सेकंड रख देते। ये आ गया रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन। ऑन दी अदर हैंड रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन, उसमें कितने का चेंज आया है, 0.6 का, ठीक है भरत, अपॉन 10 मिनट्स अगेन। सो वो आ गया 3 गुना, है ना, हमेशा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन 3 गुना आएगा, थ्राइस आएगा। तो जो चेंज आया हाइड्रोजन बचो वो थ्राइस आया। प्रोडक्ट्स के लिए लिखेंगे हम रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, है ना, अमोनिया के प्रोड्यूस होने की स्पीड, वो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगी, उसमें कितना चेंज आ रहा था, 0.4 का अपॉन 10 मिनट्स, अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये सबका अलग अलग स्पीड आ गया, अलग अलग स्पीड आ गया, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट्स आ गया, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया आ गया, पहली चीज, क्लियर है इतना सबको? अच्छा, स्पीड बच्चों यहां पर भी, स्पीड यहां पर भी दो तरह की हो सकती है, जैसे फिजिक्स में होती थी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो सबसे पहले आपने फिजिक्स में किया होगा, सेम चीज है यहां पर भी, ऑब्वियस सी बात है, ये 10 मिनट के, है ना, हम घूम फिर के आए जीरो पे रिएक्शन को स्टार्ट करके गए, 10 मिनट बाद घूम फिर के आए, तो ये कौन सी स्पीड बोलोगे आप, एवरेज स्पीड है, ये कौन सी स्पीड है बच्चों, एवरेज स्पीड, ठीक है। हो सकता है रिएक्शन स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा स्पीड से चली हो, फिर बाद में धीरे धीरे स्पीड कम हो गई हो, क्लियर? तो एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है और एक होती है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होता है हमारा, जैसे फिजिक्स में होता था चेंज, फिजिक्स में होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, यहां पर भी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड इज स्पीड ओवर अ टाइम इंटरवल, ओवर अ डेफिनेट टाइम इंटरवल, समझ में आती बात सबको, ठीक। इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक इंस्टेंट पे स्पीड, उसमें वही आपको पता है ना, डिफरेंशिएशन का फंडा आ जाता है, उसको हम d/dt लिखते हैं, क्या लिखते हैं, d/dt, अंडरस्टूड एवरीवन, समझ आ रही बात, ठीक है। तो स्पीड एट अ सर्टेन इंस्टेंट, समझ तो सब लोग, है ना, तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में, ठीक है। हमें एवरेज स्पीड लिखना है डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखना है d/dt, ऑलराइट? तो पहली बात तो बच्चों जो रिलेशन है ना, हम अब हम कंफ्यूज हो गए कि अरे हम रिएक्शन की स्पीड क्या बोलें, नाइट्रोजन की स्पीड अलग आ रही है, हाइड्रोजन की स्पीड अलग आ रही है ना, और आपने देखा अमोनिया की स्पीड अलग आ रही है यार, अमोनिया की स्पीड अलग आ रही है, तो हम कंफ्यूज हो गए, हम स्पीड किसको बोले, स्पीड ऑफ रिएक्शन किसको बोले। तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया बच्चों, नॉर्मलाइज कर दिया, है ना, नॉर्मलाइज कैसे किया, सबके कोफिशियंट से डिवाइड कर दिया। अगर मैं सबके कोफिशियंट से डिवाइड कर दूंगा, 0.6 जो स्पीड आ रही है हाइड्रोजन की, उसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो सब इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखना भी ध्यान से, रिलेशन बिटवीन रिएक्शन स्पीड एंड स्पीड ऑफ
different components. क्या रिलेशन आता है? रिलेशन सिंपल सा आता है, dN2/dt. ये है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन, माइनस का साइन लगा के अपने आप, माइनस का मतलब कंजम्पशन, माइनस का मतलब कंजम्पशन, ठीक. माइनस dN2/dt विल बी इक्वल टू 1/3. हाइड्रोजन की रेट को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है. समझ आ रहा है भरत, कनन, ईशा? और अमोनिया के स्पीड को हमने 2 से डिवाइड कर दिया. तो अगर हम ऐसा कर देंगे तो ये सब चीजें रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ जाएगी. किसके इक्वल आ जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ जाएगी. ये है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन, ये है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. सब में एक रिलेशन आ गया, नॉर्मलाइज कर दिया और किसके इक्वल कर दिया? रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल कर दिया. इस तरह से बच्चों रिलेशन लिखते हैं हम डिफरेंट कंपोनेंट्स और रिएक्शन के रेट के बीच में. अब खुद देख सकते हो ऊपर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन आ रहा है 2 × 10^-2, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन आ रहा है 6 × 10^-2. अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, 1/3 कर दूंगा, तो ये भी 2 × 10^-2 बन जाएगा. अमोनिया को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये भी 2 × 10^-2 बन जाएगा. सब बन गए 2 × 10^-2 और वो हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन. चीजें नॉर्मलाइज हो गई. डिफरेंट क्यों आ रही थी? इसी कोफिशियंट की वजह से आ रही थी, इसी से हमने डिवाइड कर दिया. क्लियर है भरत? एनी डाउट? नो डाउट. तो आपके एनसीईआरटी में भी सबसे पहले सबसे आसान से क्वेश्चंस होंगे. सबसे आसान क्वेश्चंस जो होंगे उसमें यही होगा. ठीक है, क्या होगा? 1/A − dA/dt will be equal to 1/B − dB/dt, 1/C dC/dt, 1/D dD/dt. अब जो आपको मैं इसमें कोई भी एक चीज दे दूं, है ना, मान लिया मैंने दे दिया आपको रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी इतना है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी दे दिया मैंने, तो आप इसकी जगह रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी लिखोगे. जो निकालना है निकाल दोगे. अगर मैंने बोला आप वही फाइंड करो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी कितना होगा, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी क्या हो जाएगा? C/B. ठीक है, मैथ्स लगा देंगे, C/B रेट ऑफ. इस तरह से इस रिलेशन को यूज करके हम निकाल लेंगे. बताओ समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? अंडरस्टूड एवरीवन? एक का रेट दिया होगा, दूसरे का आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा. ठीक है प्रणय, समझ आ गई बात? यस सर. क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करो एक बार. बच्चों 2 और 3 क्वेश्चन, 2 और 3 करो.
सेकंड का सी हाँ प्रणय हो गया सेकंड हाँ ठीक है भरत सुन आ रहा है ठीक है रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है भरत 2.5 × 10^4 नाउ व्हिच विल बी इक्वल टू 1/3 DH2/dt तो हाइड्रोजन का रेट कितना आ जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा सिंपल सा फंडा बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन की जगह हमने 2.5 × जो भी है 10^-3 जो भी है बहुत आसान है यार बहुत आसान सा चैप्टर है इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है ना डी हमें रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन निकालना है 3 उधर ले आके मल्टीप्लाई मार दिया खत्म ठीक है वेरी इजी ठीक है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आ गया 7.5 × 10^-4 थर्ड क्वेश्चन करो एक बार डी डी आर हाँ तो ऑक्सीजन का जो रेट होगा उसका डबल रेट किसका होगा SO3 का ऑल राइट भरत इजी है ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको है ना अपने एनसीईआरटी में भी होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ SO3 विल बी हाउ मच डबल ऑफ दिस डबल आ जाएगा 5.0 × 10^-4 एंड डी ऑप्शन क्लियर है कानन ईशा समझ में आ रही बात तो ये भी आसान सा एक बार देख लो उसको फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन सी ठीक है हो गया तो क्या करते हैं समझ आ गया सबको कि कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं 1/2 1/3 ओके और उधर आ रहा है 3/2 से तो 2/3 ठीक है फिर उन्होंने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया है 2 से डिवाइड किया ना बच्चों या मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हाँ मल्टीप्लाई कर दिया सही बात है 2/3 हो जाएगा और उधर वो आ जाएगा ओके हो जाएगा कर लोगे सब लोग आसान है 2a+3b gives 2c बार मैं बता देता हूँ 2a+3b gives क्या यार ये टू ए प्लस थ्री बी प्लस कितना था प्रणय 3/2c यस सर 3/2c gives 3p तो ये बच्चों ऐसे रिलेशन लिखना होता है सिंपल सा और इन्हें 2 से मल्टीप्लाई करके DNA/dt कर दिया था 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हर जगह तो ये 2/3 हो गया
अंडरस्टूड बच्चों, 4/3 आ जाएगा इधर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 4/3? सी ऑप्शन है ना, हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर है बच्चों, इतना आसान है सबसे पहली चीज। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। तो आपको समझ आ गया कि भाई क्या होता है, बहुत आसान सी चीज है। रेट स्पीड इज चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम, वो एवरेज स्पीड हो गया, डी बाई डी टी हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। डिटेल में आएंगे तो वही फिजिक्स की तरह कंसेंट्रेशन का ग्राफ होगा अगर टाइम के साथ बच्चों, है ना। तो आपको पता है डी बाई डी टी का मतलब क्या होता है, स्लोप, टेंजेंट डाल के स्लोप जिस भी इंस्टेंट पे, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा ही 11th क्लास में। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है ना प्रणय, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट। मान लिया मुझे इस टाइम पे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, तो मैं उस पॉइंट पे टेंजेंट डाल दूंगा, उसका जो स्लोप होगा वो हमारा डी बाई डी टी हो जाता है। मैथ्स है सिंपल सा, ठीक है। तो हम इस पे नहीं जा रहे हैं अभी, हम आ जाते हैं अपने केमिस्ट्री पर ही। ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन। जो हमने फैक्टर्स पढ़ने हैं जिनपे स्पीड डिपेंड करती है बच्चों, में सिर्फ तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे सिलेबस में हमने पढ़ने हैं डिटेल में। सबसे पहले तो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट पार्ट में हमारा फोकस इसी पे रहेगा, डिटेल में फर्स्ट पार्ट में हमारा फोकस इसी पे रहेगा डिटेल में। सेकेंड पार्ट में हम इसका बाकी दोनों फैक्टर्स पढ़ेंगे, विच आर टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी। मैं इनको साइड में लिख देता हूं, ये दोनों फैक्टर्स हम चैप्टर के सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हम इसी के साथ खेलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आ रही बात सबको? तो बच्चों स्पीड रिएक्शन की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, ऑब्वियसली बात है, कंसंट है ना। रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उस पर डिपेंड करेगा। वो डिपेंडेंस कैसी होगी, कैसे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट पे स्पीड डिपेंड करती है ना, कैसे डिपेंड करती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अभी धीरे धीरे समझ आएगा आपको, है ना। रेट लॉ, इसको बोलते हैं रेट लॉ। क्या बोलते हैं? रेट लॉ। डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। तो बच्चों रेट या स्पीड प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर सम वैल्यू। उसकी कोई पावर पे डिपेंड करती है ना, धीरे धीरे समझाएगा। मैंने बोला पहले ही आपको, स्पीड ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन की पावर पे डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो हमारा रेट लॉ बन जाता है, रेट इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये आता है बच्चों रेट कांस्टेंट। एक कांस्टेंट आता है जिसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं, रेट या स्पीड कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों इतना, ठीक है। तो आपको सबसे पहले रेट लॉ लिखना आना चाहिए, कोई भी आपको रिएक्शन दे रखी हो ऐसे प्रोडक्ट्स। कैसे रेट लॉ लिखेंगे, हम बोलेंगे रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन की पावर सम वैल्यू, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर सम वैल्यू। और ये वैल्यू बच्चों बड़े काम की है, ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है ये? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो
धीरे धीरे निकालना सीखेंगे इसको, कैसे निकालते हैं, क्या गिवन होगा, क्या होगा, धीरे धीरे समझ आएगा। पहले सबसे पहला काम हमारा रेट लॉ लिखना। क्लियर है प्रणय, भरत, ईशा, कनन, समझ में आ रही बात? रेट लॉ लिखना। yes. बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना। रेट ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स। कैसे लिखोगे रेट लॉ? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, है ना। जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे सब पे डिपेंड कर सकता है रेट, नहीं भी कर सकता, लेकिन हमें रेट लॉ में सबको इंक्लूड करना है, सारे रिएक्टेंट्स को इंक्लूड करना है, ठीक। कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, बी की पावर बी। हम बोलेंगे ए इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, बी इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। कोई दिक्कत बच्चों उसमें? ठीक। एंड ए प्लस बी इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओवरऑल पावर्स कितनी आ रही बच्चों? पावर्स आपको पता है मल्टीप्लाई होती तो ऐड हो जाती, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि अभी क्या है या ऑर्डर ऑर्डर बिल्कुल नहीं सोचना हमने, सिर्फ पावर है, कैसे रेट या स्पीड डिपेंड कर रही है उस पावर को बोलते हैं बच्चों ऑर्डर। ठीक है भरत, एनी डाउट? नो डाउट। ठीक है फिर एक बार लिखो इसके लिए रेट लॉ, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखो सब लोग खुद से। इसमें रेट लिखना है मतलब k is equals to concentration of a to the power a, ये हाँ अभी हम इसके ना बस प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको कि आपको इससे है ना कुछ भी डरना नहीं है, ऐसे जो भी है मतलब है ना कुछ भी पावर्स होंगी ए बी सी वो निकालेंगे, कैसे करेंगे क्या करेंगे वो भी हम देखेंगे बच्चों, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे लिख लोगे मजे में, ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी, कुछ भी हो क्या दिक्कत है ना, कोई पावर तो होगी। ये हो गया ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है बच्चों समझ में आ गया सबको, रेट लॉ कैसे लिखना है सबसे पहले आपको, order with respect to B, order with respect to C, और overall order of the reaction हो जाएगा A plus B plus Z, A plus B plus C, okay, है ना? बिल्कुल mathematical chapter है ये बच्चों, है ना, बहुत ही आसान सी calculations के थ्रू आप चीजें समझते जाओगे। Power, तो ये order बड़े काम की चीज है। Order can only be calculated experimentally, सिर्फ experimentally calculate कर सकते हैं। ठीक है, पहले ही इसकी खासियत नंबर वन, characteristic नंबर वन। ठीक है, या तो हमें experimental data given होगा उससे हम calculate करेंगे, क्वेश्चन होंगे ऐसे, या हमें गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल
अगर आपको रेट लॉ दे ही दिया, मान लिया मैंने बोला कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ना, मैंने रेट लॉ दे दिया, रेट लॉ इज गिवन, क्लियर है बच्चों? तो बताओ हाउ मेनी टाइम्स विल द रेट बिकम ऑन डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ए? बहुत आसान आसान सी मैथ्स लगेगी, बताओ भाई। फोर टाइम्स। सोचा क्या मजाक चल रहा है, लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे बच्चों आएंगे इसमें फ्लो में, है ना? तो डबल करने पे चार गुना हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, रेट चार गुना हो जाएगा ना। कुछ नहीं करना आपको, स्कूल में दिखाना है तो एक बार वन मोलर ले लो कंसंट्रेशन, रेट हो गया के, ठीक है, डबल कर दो, टू मोलर कर दिया, रेट हो गया फोर टाइम्स, ठीक है। चलो कितना टाइम्स हो गया, फोर टाइम्स, बहुत आसान है भाई। इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकते थे, हाउ मेनी टाइम्स विल द रेट बिकम ऑन ऑन on doubling the volume of reaction vessel volume double करने पे क्या फर्क पड़ेगा rate पे, बताओ। 1/4 times। yes very good, है ना? ठीक है भरत, समझ आ रहा है? भरत डबल कर दिया हमने वॉल्यूम, डबल करना मतलब भरत कंसंट्रेशन को आधा कर दिया। कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल्स बाय वॉल्यूम। यस सर। ठीक है, बहुत आसान चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे टाइम पास चल रहा है, थोड़ा सा फील ले रहे हैं चैप्टर की कि क्या क्या करना है हमने। ठीक है तो हमने, ठीक है ईशा कनन समझ आ रहा है, वॉल्यूम को डबल कर दिया ईशा, मतलब कंसंट्रेशन को आधा कर दिया। और अभी आपने ऊपर देखा कंसेंट्रेशन को आधा कर दिया तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4, है ना? रेट विल बिकम 1/4 टाइम्स। अंडरस्टूड बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं बस, फिर आगे बढ़ते हैं। रेट लॉ कुछ भी हो सकता है, रिएक्शन कैसी लिखी हुई है उससे कोई मतलब नहीं है ना। रेट लॉ ऐसा आ गया, ए की पावर 1 आ रही है, बी की पावर 2 आ रही है, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, व्हेन वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल becomes 1/3 1/27 volume 1/3 हुआ है, सॉरी सर 27 था। सिली मिस्टेक नहीं करनी है। yes.
ठीक है बच्चों, वॉल्यूम 1/3 कर दिया तो कंसेंट्रेशन विल बिकम 3 times। ठीक है भरत, इजी है, कंसेंट्रेशन विल बी 3 times और वो दोनों के लिए होगी, ए की भी और बी की भी, क्योंकि सेम वेसल में है दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है बच्चों, तो कंसेंट्रेशन ए और बी दोनों की 3 times हो गई। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना है, इसकी भी पावर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो 27 times आ जाएगा ना, रेट विल बिकम 27 times। समझ में आ गई बात, ओवरऑल ऑर्डर हमारा कितना है, 3 times, 3 है ओवरऑल ऑर्डर, तो 3 का क्यूब, रेट विल बिकम 27 times। बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है, आसान है यहाँ तक, यहाँ तक आसान है, सब कुछ समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, आसान चीजें पहले पढ़ा रहे हैं, क्लियर है। अब बच्चों उल्टा, उल्टा कैसे, उल्टा सोचना आप, उल्टा आपको ऐसे सोचना है बच्चों कि आपको गिवन होगा, हाँ ध्यान से सुनना मेरी बात, कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया, कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल करने पे रेट 4 times हो गया, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट 4 times हो गया, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है प्रणय, क्या हो जाएगा ऑर्डर प्रणय, हो जाएगा ना, तो अब पावर सोचनी है हमने, अब उल्टा करना है, क्वेश्चन इस पे होगा, अभी अभी आपको बच्चों ऊपर क्या था, गिवन था, गिवन था रेट लॉ, है ना, रेट लॉ गिवन था कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ए की पावर 2 दे दिया था, है ना, तो हमने बोला हाउ मेनी टाइम्स विल द रेट बिकम ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन, डबल करने पे कितना टाइम्स हो गया, 4 times। अब हमने क्वेश्चन पूछा कि भाई रेट, है ना, कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट 4 times हो गया, तो आपको पावर सोचनी है, वो पावर क्या होती है बच्चों, वो ऑर्डर होता है ना, फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, कितना हो जाएगा ऑर्डर 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत, ठीक है, ये चीज हम दो तरह से करेंगे, बोर्ड के एग्जाम में हमें लिख के करनी होगी, शो करना होगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ओरली भी करना आना चाहिए, ओरली इतना आसान है, है ना, उसके लिए हम वहां पे तो टाइम होता नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वहां पे तो हमें स्टेप्स लिखने नहीं होंगे, लेकिन बोर्ड में हमें स्टेप्स लिख के भी करना है, ठीक है, दोनों तरीके से हम करेंगे, अंडरस्टूड एवरीवन, और एग्जांपल्स देखो, कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट 8 times हो गया, रेट बिकम्स 8 times, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 3, 2 की पावर 3 इज 8, डबल करने पे रेट 8 times हो गया, हाँ जी बता दो, समझ आ रहा है सबको, ठीक है कनन, ईशा, इस टाइप से, ठीक है बच्चों, कंसंट्रेशन को डबल करने पे ए की कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट डबल हो गया, व्हाट विल बी द ऑर्डर, करने पे डबल, पावर कितनी आ रही है, 1, ऑर्डर हो गया 1, क्लियर है बच्चों। अब बताऊं मुझे रेट, कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट अनचेंज रहा, सेम रहा, अब कितना हो गया ऑर्डर, अब कितना हो गया ऑर्डर, 0, 0, है ना, डबल करने पे कोई चेंज नहीं आया, मतलब पावर क्या है, 0 है, पावर 0 मतलब 1, है ना, सेम रहा, तो डबल करने पे रेट सेम रहा मतलब 0, पावर इज 0, ऑर्डर इज 0,
एक और कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट 1/2 हो गया, आधा हो गया। कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट आधा हो गया, हाफ। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? -1 है ना, डबल करने पे रेट आधा रह गया, तो 2^-1 इज हाफ, 2^-1 इज हाफ। समझ में आ रहा है बच्चों? तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कैन बी जीरो, कैन बी फ्रैक्शनल, कैन बी नेगेटिव एज वेल। ऑर्डर की कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्सपेरिमेंटल। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट, पहले हमने एक्स ली कंसेंट्रेशन, फिर उसको डबल किया, रेट को मेजर किया दोनों बार, फिर देखा कि अच्छा इसका ऑर्डर इतना आ रहा है। समझ में आ रही सबको कहानी में? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आपको ऐसे गिवन होगा, कंसंट्रेशन, रेट, 0.1 मोलर है जब, तो रेट है लेट्स से 2×10^-4, कंसंट्रेशन हमने कर दिया 3 times, है ना, रेट हो गया 1.8×10। तो पहला तरीका वही, ओरली सोच के बताओ मुझे कितना होगा ऑर्डर, फिर मैं आपको इसको बोर्ड में कैसे करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, करो। अजीब सा आएगा, नहीं अजीब आएगा, ये मजेदार बात है, अजीब सा नहीं आएगा, ध्यान से देख। सर वो पावर गलत देख, हाँ पावर गलत देख लेना तुमने, बहुत आसान सा आएगा। 2 यस, ठीक है, तो कोई बात नहीं बच्चों, सब लोग देखो ध्यान से एक बार कि ओरली सॉल्व कैसे करना है ना। 0.1 से 0.3 हो गया ओरली सॉल्व करने का, फिर मैं बोर्ड वाला तरीका बताऊंगा आपको इसका। पहले आप उसी से लिख के बल्कि प्रैक्टिस करना आराम से, ताकि आपको उसकी आदत हो जाए, है ना, फिर आप आराम से उसको, फिर अपने आप स्पीड आ जाएगी उसमें भी। ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई टेंशन की बात नहीं भरत। तो 0.1 से 0.3 भरत कितना टाइम्स हो गया? 3 times। ठीक है, 3 times कर दी हमने कंसंट्रेशन, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18×10^-4। तो पावर्स का अगर हमने ध्यान दिया तो 2×10^-4 से 18×10^-4 हो गया ना, 9 times हो गया, 9 गुना हो गया ना, तो ट्रिपल करने पे 9 times, तो 3^2 ऑर्डर हो गया, 2, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों बोर्ड में कैसे करना है आपने, सेम चीज को हमने बोर्ड में कैसे करना है, हमने सबसे पहले रेट लॉ लिखना है, जो हमने आपको सिखाया रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू K×A^A, अंडरस्टूड? रेट लॉ लिख लिया। अब दो इक्वेशन बना लो, दो डेटा दे हमें, डेटा 1, फर्स्ट डेटा रेट आ रहा है 2×10^-4, जब K तो रेट कांस्टेंट है, जब कंसंट्रेशन 0.1 है। सुन आ रहा है कनन, ईशा, सबको सुन आ रही बात? इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन बनाया हमने, 18×10^-4 इज इक्वल टू K×, कंसंट्रेशन कब? 0.3 है, उस पे रेट इतना आ रहा है। ठीक है बच्चों, जो दो डेटा दिए उससे हमने इक्वेशन बना ली, और फिर आपको सीधे सीधे बस डिवाइड मारना है, सीधे सीधे A का वैल्यू आ जाएगा, A का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है, मतलब A का वैल्यू हमने फाइंड करना है। क्लियर है बच्चों? तो हमने क्या किया, अब इक्वेशन 2/(1), क्लियर है भरत? एनी डाउट? समझ आ रहा है भरत तरीका? इजी है? हाँ सर, आई समझ आ रहा है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चे बहुत आसानी से ये आ गया हमारा इक्वेशन, है ना, ऐसे हमने बोर्ड में निपटाना है इसको। 2 से 18/2 9, के से के कैंसिल, रेट कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा हमेशा, 0.3/0.1 यानी कि 3,
की पावर ए। समझ आ रहा है जो बोर्ड वाला तरीका। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अंडरस्टूड बच्चों? ठीक है, यस। दोनों तरीके से आना चाहिए, बोर्ड वाला तरीका भी और है ना मेंस वाला तरीका भी, डायरेक्टली है ना, डायरेक्टली बताने वाला, डायरेक्टली बताने वाला भी आसान है। क्लियर है बच्चों? ओके, ये है एक रिएक्टेंट वाला है ना, एक देख लेते हैं दो रिएक्टेंट वाला। इसमें भी आपको ऐसा कोई डेटा दिया होगा, इसमें तीन डेटा देने पड़ेंगे, लेकिन समझ आ जाएगा भी आपको क्यों। ठीक है, ये टेबल आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पहले बोर्ड वाले तरीके से करना है ना, बोर्ड वाले तरीके से करो, सोच के बताओ मुझे। रेट लॉ लिखना है आपको, वही ए की पावर ए, बी की पावर बी, ए और बी की पावर फाइंड करनी है। इसमें तरीका ये होता है बच्चों, पहले है ना ऐसे डेटा को उठाओ जिसमें एक चीज कैंसिल हो रही हो, एक चीज सेम हो, ऐसे डेटा को उठाओ ताकि एक चीज क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। फिर दूसरे डेटा को उठाओ जिसमें दूसरी चीज सेम हो, ऐसे डेटा को उठाना, करो ट्राई। ए का टू बी का वन,
ठीक है अच्छा, तो ये ओरल ओरली सॉल्व करने वाला तरीका देखो, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड डेटा देखो, है ना। ठीक है, ओरली कैसे सॉल्व करना है, पढ़ने फर्स्ट और सेकंड डेटा देखा तूने, तो बी कांस्टेंट है, ए को डबल कर रहे हैं, है ना। ठीक है, बी सेम है फर्स्ट और सेकंड में, क्लियर है बच्चों। ए को डबल किया हमने, ए को डबल करने पर रेट 4 times हो रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में ए की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो एक एक करके ऐसे पावर निकालेंगे, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है आपको करने हैं आज ही, एनसीईआरटी उठा के इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो ए को डबल करने पे रेट हो रहा है 4 times, अंडरस्टूड। तो ए की पावर 2 आएगी ना, अभी हम पूरा सॉल्व करने वाला तरीका भी करेंगे बोर्ड वाला। और सेकंड और थर्ड डेटा देखोगे तो आप ए सेम है सेकंड और थर्ड डेटा में, बी को ट्रिपल किया है 0.2 से 0.6 कर दिया 3 times, तो बी को ट्रिपल करने पे रेट ट्रिपल ही हो रहा है, 12 × 10⁻⁴, है ना। ट्रिपल करने पे ट्रिपल हो रहा है, यानी उसकी पावर 1 आ रही है, बी की पावर 1 आ रही है। क्लियर है बच्चों, ऐसे। तो ये हो गया ओरली सॉल्व करने वाला तरीका, और अब स्टेप्स वाला। स्टेप्स वाले के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले रेट लॉ लिखना है, ए की पावर ए, बी की पावर बी, फिर इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट डेटा से, फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। सेकंड डेटा से सेकंड इक्वेशन, अब इसमें जिसमें भी एक चीज सेम होगी तो वो कैंसिल हो जाएगी, दूसरी वाली भी चीज आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 2/1 किया हमने, इसकी सब लोग अब प्रैक्टिस करोगे, जो आसान है लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तभी आपको स्टेप्स ध्यान होंगे, स्पीड बनेगी, राज ही करनी है। ठीक, क्या हुआ, ये कैंसिल, सेम चीज कैंसिल हो गई, के तो हो ही जाएगा कैंसिल, बहुत मजे में ए का वैल्यू आ गया 4 = 2 की पावर ए, ए की वैल्यू आ गई 2। ठीक, थर्ड इक्वेशन लिखी, रेट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इस बार हम इक्वेशन 3/2 करेंगे, है ना। तो इस बार ए की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो 12 × 10⁻⁴ लिख लिया मैंने, 1.2 × 10⁻³ को, ये पॉइंट, हाँ ये जो तरीका समय आ गया, मेथड समय आ गया सबको, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ये 3 = ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 = 3 की पावर b। बताओ भाई, कर लोगे सब लोग, आसान है। a का ऑर्डर आ गया 2 और b का ऑर्डर आ गया 1। क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको ऐसे करने होंगे बोर्ड में, ऐसे स्टेप्स लिख के एनसीईआरटी क्वेश्चन आज ही करने हैं सबको। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यार फिर कुछ नहीं हो पाएगा। okay. Thank you.
इसके, ठीक है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ओरली सॉल्व करना है बस, और बोर्ड्स में हमें थोड़ा सा स्टेप्स दिखाने होंगे, ठीक है। 24th क्वेश्चन करो, अभी आप ट्राई करो ओरली सॉल्व करने का, ठीक है। और घर पे आप प्रैक्टिस करोगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन से, ठीक है भारत, पूरे स्टेप्स लिख के सॉल्व करने का, ओके। फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो, ऑप्शन बी। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है ओरली सॉल्व कैसे करना है? यस सर, बी। ओके ओके, तो हमें ऐसा डेटा उठाना है जिसमें एक चीज कॉमन हो, सेम हो, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ डेटा जब हम उठाएंगे, फर्स्ट और फोर्थ, तो उसमें बच्चों बी सेम है 0.1 0.1, समझ में आ रहा है? बी सेम है 0.1 0.1, ए को 0.1 से 0.4 चार गुना किया है, और उधर आप देखोगे तो ये 6 से 24 हो जाएगा, 6 से 24 into 10^-3, चार गुना करने में चार गुना हो गया, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है बच्चों। यही चीज आप लिख के करोगे तो पावर वगैरह डिवाइड करके ना, और है ना, ऑब्वियसली बोर्ड में तो स्टेप्स भी दिखाना ही है, लेकिन भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टाइम वैसे नहीं कर सकते हम, तो ओरली सॉल्व करना ईजी है ना। तो ए को 4 times करने पे रेट 4 times होना हो रहा है, तो ए की पावर 1 आ गई, ए की पावर कितने आ गई बच्चों, 1, ठीक है। फिर आप देखना सेकंड और थर्ड डेटा, उसमें ए सेम है, जब ए सेम होगा तो बी का ऑर्डर आएगा, और जब बी सेम होगा तो ए का ऑर्डर आएगा, है ना। तो सेकंड और थर्ड डेटा में
ए सेम है 0.3 0.3, बी को डबल किया, बी को डबल करने पे रेट आप देखोगे 7.2 से 28.8, 4 टाइम्स हो रहा है। इजी सा डेटा होगा, कोई टफ डेटा होगा नहीं, डबल करने पे 4 टाइम्स मतलब बी की पावर 2 आ गई, तो सेकंड बी ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रही बात सबको? ठीक, इस तरह से। और इसी चीज पे अब देखो मेंस में कैसा मजेदार क्वेश्चन आया है, ये तो इजी हो गया। अब मेंस में थोड़ा मजेदार क्वेश्चन आया इसी चीज पे, देखो ये वाला करो ट्राई एक बार इसको। सबसे पहले तो बच्चों ऑर्डर निकालेंगे इसमें, ए और बी का ना आया। यस सर, एक मिनट। सर ऑप्शन बी। सर हाँ मुझे आ गया, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। हाँ सही लग रहा है, वेरी गुड शाबाश। ठीक है, तो कुछ नहीं है, मैथ्स है और कुछ नहीं, कुछ उसमें कैलकुलेशंस है, सब लोग ध्यान से देखो ना। तो फर्स्ट और सेकंड डेटा देखोगे, फर्स्ट और सेकंड तो ए सेम है। ठीक है, पहले हमने ऑर्डर निकालना होगा यहाँ पे। ए सेम है, बी को डबल किया है, बी को डबल करने पे 6 से 24, 6 से 24, 4 टाइम्स हो रहा है, तो बी का स्क्वायर है ना, बी की पावर आ रही है 2, बी की पावर आ रही है 2, बी का ऑर्डर आ रहा है 2। ओके ध्यान रखना है।
फर्स्ट और थर्ड डेटा देखोगे तो उसमें बी सेम है, 0.1, 0.1, 1 और 3 डेटा, ए को डबल किया और बहुत आसान सा डेटा होगा, ए को डबल करेंगे, डबल करने पे रेट डबल हो रहा है, 6 से 12 हो रहा है, ए की पावर 1 आ गई, बी की पावर 2 आ गई, ठीक है, इतना आसान आसान सा डेटा होगा यार, ए की पावर 1, बी की पावर 2, ऑलराइट। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, कोई सा भी ऐसा ए की पावर 1 आई है, बी की पावर 2 आई है, ठीक है, तो सेकेंड और फोर्थ डेटा देख लो जिसमें सेम है, बी सेम है 0.2, 0.2, सेकेंड और फोर्थ में बी सेम है 0.2, 0.2, ठीक है, और 2.4 से 7.2, 3 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, तो ए को भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा क्योंकि उसकी पावर 1, उसकी पावर 1 थी, तो 0.1 से 0.3, एक्स की वैल्यू पॉइंट, इस तरह से सोचना, ऐसे सोचना है, समझ आ रहा है, एक्स की वैल्यू आ गई 0.3, ऑल राइट। फिफ्थ में वाई निकालना है हमने, ठीक है, अब ऊपर फोर्थ में आई गया हमारा एक्स का वैल्यू 0.3, 0.3, 0.3, सेम सेम है, और उधर रेट 4 टाइम्स हो रहा है 7.2 से 28.8, ठीक है, तो 4 टाइम्स मतलब बी को डबल ही करना है क्योंकि बी की पावर तो 2 है, ये सब लॉजिक लगा के, है ना, या फिर तो 0.4 आ गया, या फिर एक तरीका हुआ है बोर्ड वाला, उसमें आपको वैल्यूज रख रख के इक्वेशन बना के वैसे कर सकते हो, ठीक है, ओरली सर सॉल्व करने से टाइम बचता है। बताओ जो समझ आया सबको आज की चीजें, रेट क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, रेट ऑर्डर है ना, ऑर्डर निकालना, प्रैक्टिस जरूर करनी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो आज जितना किया हमने, उसके एक की चीज, एक का रेट दिया हो दूसरे का रेट निकालना वो रिलेशन से, और रेट का ये डेटा दिया हो टेबल उससे ऑर्डर निकालना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आता है हर जगह, क्लियर है बच्चों, तो इसकी आज ही प्रैक्टिस होनी चाहिए बस, है ना, ये अच्छे से मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल दिखा के कराया है, आप बाकी काम आपका है, इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है, भरत हो जाएगा, कनन, ईशा, प्रणय, है ना, ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे पढ़ेंगे हम, ये आपको अभी प्रैक्टिस करके खत्म करना, ओके, बाय बाय।